भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर गंगा किनारे श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगा किनारे स्थित विभिन्न घाटों पर पहुंचते ही गंगा की निर्मल कलकल बहती धारा और इसमें कलरव करते साइबेरियन पक्षी बरबस ही अपनी ओर खींचते हैं। और अगर नौका विहार करने का मौका मिला तो गंगा किनारे स्थित 88 घाटों का अप्रतिम नजारा देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पतित पावन गंगा नदी के विहंगम दृश्य को देखकर वहां से हटने का मन नहीं करता। वाराणसी की यात्रा गंगा किनारे स्थित विभिन्न घाटों पर गए बिना पूरी किए नहीं मानी जाती। इस शहर में लगभग 88 घाट हैं, जिनमें से अधिकतर का उपयोग स्नान के लिए ही होता है, जबकि दो चार पर अंत्येष्टि की जाती है। वाराणसी के अनेक घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी में किया गया, जब इस शहर पर मराठा राजाओं का शासन था। वर्तमान में दिखने वाले घाटों का संरक्षण मराठा, होलकर, शिंदे, सिंधिया, पेशवा एवं भोसले राजाओं ने किया था। जैसा कि हिंदू धर्म में गंगा नदी में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है, यहाँ के अनेक घाट स्नान एवं धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए हैं। इन सभी घाटों में दशाश्वमेध घाट सबसे प्रसिद्ध घाट है। मणिकर्णिका घाट का उपयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध घाट के अलावा हरीशचंद्र घाट, देवी अहिल्याबाई घाट, केदार घाट, राजा घाट, मुंशी घाट आदि शामिल हैं। यह क्षेत्र सवेरे किए जाने वाले योग सत्रों के लिए प्रसिद्ध है। संध्या को होने वाली आरती, दीयों के साथ किए जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान जो मुख्य रूप से दशाश्वमेध घाट पर होती है, देखने लायक आयोजन होता है। वैभवशाली घाटों में से एक ललिता घाट भी है। व्यापक स्तर पर ऐसा माना जाता है कि गंगा के घाटों पर लोगों का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण होता है। वे उगते सूर्य की उपासना के लिए सदियों से इस स्थान पर आते रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री के इस संसदीय क्षेत्र में जहां काशी का विकास हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, वहीं गंगा की स्वच्छता के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, जिससे गंगा का पानी निर्मल हो गया। और अभी हाल ही में लेजर लाइट शो भी शुरू हुआ है। अगर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं।